हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। ज़िंदगी की ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हमें बहुत खुशी मिलती है। बरसात का मौसम है, चारों तरफ पानी ही पानी और पौधे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। पानी मिलने से पौधे कितने खुश हैं। इसी में अगर गरम गरम नाश्ता हो जाए तो क्या बात है। इसके लिए मैंने मूँग की दाल के वड़े बनाए हैं। मूँग की दाल के चिल्ले भी बना सकते हैं। दोनों का एक ही मटेरियल तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने छिलके वाली मूंग की दाल ली है और उनको भिगोने के बाद 5-6 घंटे भिगोएंगे और इस तरह से धोया है कि आधे छिलके निकल जाएंगे और करीब करीब आधे छिलके उसमें बचे रहेंगे। फिर धनिया की कटी हुई पत्ती और हरी मिर्च, ये करी पत्ते जो कि थोड़े सूखे हुए हैं, आप चाहें तो लहसुन डाल सकते हैं, और अदरक, ये डालकर इसको हम थोड़ी सी हींग भी डालेंगे। और उसके बाद नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए, और उसके बाद जीरा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर इसको इस तरह से पीसेंगे कि सब मोटी मोटी दाल रहेगी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होगी, नहीं तो पकौड़े क्रिस्प नहीं बनेंगे। जीरा खड़ा डालेंगे, पीसने से इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। इस तरह से पेस्ट तैयार हो जाएगा और इसके बाद हम चाहेंगे तो थोड़ा पानी मिलाकर चिल्ला बना सकते हैं, और पकौड़े के लिए थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे। जो भी तेल आप खाते हैं, मैंने सफोला डाला है इसमें, और कढ़ाई इतनी छोटी ली है कि तेल बहुत कम डालना पड़ता है, बहुत सारा तेल इसमें बर्बाद नहीं होता है। ये जल्दी गर्म भी हो जाती है। तेल को हम गर्म होने देंगे, हल्का हल्का जब धुआं निकलने लगेगा थोड़ा सा डाल के उसको चेक करेंगे। अगर लाल हो जाता है इसका मतलब है कि तेल गर्म है। इसके बाद एक एक करके हम पकौड़ियों के लिए इसमें मूंग की दाल को डालेंगे और हल्का हल्का चलाते रहेंगे। एक साइड से डालते हैं ताकि एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। एक तरफ से लाल होते जाते हैं और दूसरी तरफ से थोड़े थोड़े पकते रहते हैं। तेल इतना गर्म है कि वो अच्छी तरह से उबल रहा है। गैस मीडियम के ऊपर है, बहुत तेज़ नहीं रखेंगे, नहीं तो पकौड़ियाँ ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। हल्की हल्की लाल होने लगी है और इसको अब हम एक साइड से धीरे से हिलाएंगे, फिर उसके बाद उनको पलट देंगे। इनको आराम से पकाना पड़ता है क्योंकि दाल कच्ची ना रह जाए, और काफ़ी अच्छे से ये क्रिस्प हो जाते हैं। अंदर तक पूरे क्रिस्प हो जाएंगे और देखने में काफ़ी लाल हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग धनिया की चटनी साथ में रखेंगे। देखिए पकौड़े तैयार हो रहे हैं। थोड़ा सा गैस को और कम ही रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर इनको चलाते रहेंगे। जब ये तैयार हो जाते हैं तो इनको 2-4 करके एक साथ निकालेंगे, और गरम गरम ही खाने में ये अच्छे लगते हैं। अभी मैंने इनको दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सिकने दिया है। इनका रंग जो है वो सुनहरा हो जाएगा, तब ये अच्छी तरह से पके हुए दिखाई देने लगेंगे। बरसात के मौसम में इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। हर जगह ये बनाए जाते हैं, पर ज़्यादातर लोग धुली हुई मूंग की दाल से बनाते हैं, लेकिन मुझे छिलके वाली दाल के ही ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि ये क्रिस्प होते हैं बहुत ज़्यादा। आप अगर बनाएंगे तो आपको भी पसंद आएगा। इसके बाद 2-3 तरह से निकालेंगे, और उसका तेल ज़्यादा नहीं सूखता है इसमें, लेकिन फिर भी आप चाहें तो नैपकिन के ऊपर रख के उसका तेल निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने धनिया की हरी चटनी ली है, आप चाहें तो सॉस भी ले सकते हैं। मीठी चटनी भी इसके साथ खाई जा सकती है, आपको जो भी पसंद है वो लीजिए और गरम गरम खाइए। बरसात के मौसम में पकौड़ों का तो आनंद ही कुछ और होता है। सभी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। शाम के नाश्ते में बनाइए या किसी के आने पर उनको भी खिलाइए। ये दाल को हम पीस के फ्रिज में भी 1-2 दिन तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है, और जब नाश्ते का टाइम होता है तब इसे यूज़ करते हैं। उसी दाल के ही हम चिल्ले भी बनाते हैं। थोड़ा सा और पानी डालेंगे तो वो मटेरियल थोड़ा सा पतला हो जाएगा,
और नॉन स्टिक तवे के ऊपर हल्का सा तेल डालेंगे, तेल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं, और उसको इस तरह से उसके ऊपर डाल के फैलाएंगे कि थोड़ी दूर तक फैल जाएगा। एक छोटे बर्तन की सहायता से मैंने इस पर डाला है, आप कटोरी से भी डाल सकते हैं, और इस तरह से फैलाएंगे। गैस एकदम कम रखेंगे, तवा हल्का गर्म रहेगा। उसके बाद जब हम इसको पूरी तरह से फैला देंगे तब उसके बाद गैस थोड़ी सी तेज करेंगे। साइड साइड से इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। इसमें ज़्यादा तेल नहीं होता है, हल्के तेल में ही ये बन जाता है। और थोड़ी देर के बाद जब ये नीचे से पक जाएगा तो एक बार और थोड़ा सा तेल उसके ऊपर डाल देंगे। साइड साइड से तेल डालने के बाद दूसरी तरफ लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको ज़्यादा क्रिस्प चाहिए तो थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं, लेकिन आजकल स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत कम तेल खाते हैं सभी लोग, और कम तेल का नाश्ता ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए मैंने दोनों तरह की चीज़ें आपको बता दी। आप चाहें तो पकौड़ियाँ बनाएं और चाहें तो आप चिल्ला बनाएं। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, और इसी तरह से मीठी चटनी या हरी धनिया की चटनी के साथ बनाइए और खाइए। बरसात के मौसम में ये खाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, और हल्का नाश्ता भी होता है, और चाहे तो इसको बच्चों को खिलाइए, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, और इनके टिफ़िन में भी बना के हम दे सकते हैं। गरम गरम खाने के लिए बहुत क्रिस्प लगते हैं, और बहुत ही पचने में भी ये बहुत हल्के होते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं। सुबह के नाश्ते में मुझे ये बहुत पसंद है, इसमें प्रोटीन काफ़ी होता है और छिलका होता है, इसलिए फाइबर भी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।